क्वेश्चन नंबर 5। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई होगी। तो यहाँ ए बी मान लिया, ये नदी है जिसकी चौड़ाई ए बी है और ये इसका एक किनारा हो गया जिसके साथ में ये 45 डिग्री का कोण बनाता है, और ये ए सी इस पर है पुल जिसकी लंबाई हमें दे रखी है 150 मीटर। नदी के ऊपर पुल की लंबाई है वो 150 मीटर है। हमें ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई को मान लिया हमने एक्स माना, नदी की चौड़ाई चौड़ाई बराबर एक्स मीटर। तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने भुजा होती है वो लंब होती है, तो ये लंब हो गया और ये जो भुजा नीचे है वो आधार हो गया, और ए सी जो 90 डिग्री के सामने वो कर्ण हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें आधार ज्ञात करना है और इसके साथ में ये दे रखा है कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसमें आधार हमारे पास है x और कर्ण है 150। आधार बटा कर्ण है वो होता है आधार बटा कर्ण कोस थीटा, तो कोस 45 डिग्री हो गया, कोस 45 डिग्री बराबर x बटा 150। कोस 45 डिग्री का मान सारणी में देखने पर हमें प्राप्त होता है 1/√2 बराबर x बटा 150। तिरछा गुणा करने पर √2x बराबर 150, जो x बराबर हमें देगा 150 बटे हुए √2। इसका प्रमेयीकरण करें तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दें, यह प्रमेयीकरण करना कहलाता है कि हर को प्रमेय संख्या बदलने के लिए √2 वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये हो गया x बराबर 150 √2 बटे हुए √2 को √2 से गुणा करने पर 2 से 50 को कट करेंगे तो ये 75 बार हो जाएगा और हमें प्राप्त हुआ x बराबर 75 √2। नदी की चौड़ाई चौड़ाई बराबर 75 √2 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर छः में हमें दे रखा है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें दो खंभे, एक 20 मीटर का है दूसरा 14 मीटर का, जैसे ये खंभा नंबर एक जो है हमारे 20 मीटर है ये, और दूसरा खंभा जो है वो है 14 मीटर का है। दोनों एक तार के द्वारा यहाँ उनके शीर्ष तार द्वारा बंधे हुए हैं। तार क्षैतिज के साथ में या क्षैतिज के साथ में ये कोण बनाता है 30 डिग्री का। तार क्षैतिज के साथ, जैसे तार यहाँ इस शीर्ष पर बना हुआ है यहाँ, तो इसके साथ में कोण बनाता है 30 डिग्री का, तो हम यहाँ रखा ये 30 डिग्री। और अब हमें पता है कि यह दोनों एक ही क्षैतिज पर खड़े हैं यहाँ, तो इसके अंदर ए बी सी और डी ई, इस तरह से हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ए बी की लंबाई है वो होगी यहाँ ए बी बराबर होगा, क्योंकि ये खंभा 20 मीटर का है तो 20 माइनस दूसरा खंभा है वो 14 मीटर का है, 14 कम कर देंगे तो ये आएगा 6, तो ये हमें प्राप्त होगी ए बी बराबर 6 मीटर। और ये कोण हो गया 30 डिग्री का। हमें ज्ञात करनी है तार की लंबाई, तो माना तार की लंबाई x, माना
तार की लंबाई, लंबाई बराबर x मीटर, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं कि 30 डिग्री के सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण, लंब बटा वा कर्ण बराबर होता है, इसमें लंब है, लंब ए बी का मान हमें प्राप्त हुआ, ए बी बराबर 6 मीटर, और इसका कर्ण है हमें ज्ञात करना है वो x है, और लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री बराबर 6 बटा हुआ x, साइन 30 डिग्री का मान देखने पर हमें प्राप्त होता है 1 बटा हुआ 2 बराबर 6 बटा हुआ x, तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करने पर x एकम x बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, अर्थात तार की लंबाई बराबर 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, जहां ए बड़ा है बी से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के यूनियन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, जिसे ये मीनार हो गई, ये मीनार है, और मीनार के अंदर ए की सीध में यहाँ, इसमें मीनार के आधार से ए, जैसे यहाँ तक, यहाँ से इसमें ये दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक ए, ए दूरी पर जो उसका कोण है वो है 30 डिग्री, ए बड़ा है तो ये इसमें दे रखा है 30 डिग्री, और इसी रेखा पर दूसरा बिंदु है जो यहाँ से आधार से है वो बी दूरी पर है, जैसे यहाँ ये हो गया, ये यहाँ से लेकर के ये दूरी हो गई इसकी बी, तो बी पर ये दूसरा जो बिंदु है उसके साथ में कोण बना रहा है वो है 60 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए ए बी, यह हो गया सी और ये हो गया डी, तो हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, तो ये हो गई एच, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर एच मीटर है, तो सबसे पहले हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें समकोण त्रिभुज में लेना है, तो समकोण त्रिभुज इसमें हो गया ए बी डी, ए बी और डी पर इसमें समकोण है, तो त्रिभुज ए बी डी में इसमें ये इसका लंब हो गया, जो कोण के सामने गुजरा ये लंब हो गई, तो लंब इसमें है लंब बटा इसका आधार हो गया ये ए बी डी, तो आधार, तो लंब तो है इसमें हमारे पास एच और इसका आधार है हमारे पास ए, और लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, तो थीटा की जगह इसमें 30 डिग्री, तो ये हो गया टेन, टेन 30 डिग्री बराबर एच बटा ए, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा वा अंडर रूट 3 बराबर एच बटा वा ए, ये समीकरण बन गया एक, अगर इसको तिरछा गुणा करें तो ये बन जाएगा ए बराबर अंडर रूट 3h, तिरछा गुणा करने पर ये हो जाएगा ए बराबर अंडर रूट 3h, ये समीकरण बन गया एक। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज है इसके अंदर ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में इसमें भी इसके सामने भुजा ये लंब हो गई और इसका आधार हो गया ये बी, तो अपन इसमें भी लंब बटा आधार लिखें, लंब बटा आधार बराबर लंब इसमें हो गया एच और आधार हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक दूरी है बी है, तो ये हो गया बी एच बटा बी, तो ये हो गया टेन
टेन थीटा का मान इसमें 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री बराबर एच बट्टा वा बी। टेन 60 का मान होता है, टेन 60 का मान है वह है अंडर रूट 3 बराबर एच बट्टा वा बी। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करने पर एच बराबर हो गया अंडर रूट 3 बी, एच बराबर अंडर रूट एच को एक से गुणा करें एच और अंडर रूट 3 को बी से गुणा अंडर रूट 3 बी, ये समीकरण बन गया दो। एक में एच का मान, एच का समीकरण एक और दो को गुणा करने पर एक व दो को गुणा करने पर, तो गुणा करते समय इसमें हम इस तरह से गुणा करें इसको कि एच वाले पद एक साइड में गुणा हो जाए बिना एच वाले एक साइड में, तो एच को अंडर रूट 3 एच से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 एच और गुणा हो जाएगा इसका एच और बराबर दूसरी साइड इधर इसमें ए गुणा अंडर रूट 3 बी, तो हमें अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट कर देंगे, ये हो गया एच स्क्वायर बराबर ए बी और इस तरह से एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई ऊंचाई बराबर हो गई अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी इकाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 25 मीटर ऊंचे स्तंभ, तो हम सबसे पहले यहाँ एक स्तंभ बनाते हैं जिसकी ऊंचाई है 25 मीटर, ये 25 मीटर एक हो गया स्तंभ, 25 मीटर होगी इसकी ऊंचाई। इसके शीर्ष से 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष, तो ये 25 मीटर ऊंचा स्तंभ हुआ, इसका शीर्ष ये हो गया यहाँ के शीर्ष से हम एक मीनार देख रहे हैं दूसरी, यहाँ ये मीनार है, ये मीनार, इस मीनार का शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इस स्तंभ के शीर्ष से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, यहाँ से हम इस मीनार का पाद देखें तो पाद यहाँ हो गया, तो इसका ये अवनमन कोण, ये दोनों कोण समान है, यानी ये वाला कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा थीटा हो गया। हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो माना मीनार की ऊंचाई क्या होगी, माना मीनार की ऊंचाई की ऊंचाई बराबर बराबर हो गई एच। तो यहाँ देखिए कि यहाँ ये आयत बन जाता है, ये 25 मीटर है तो ये ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई एच मीटर और इसमें ए बी सी डी और ई मान रखने पर हम देखते हैं कि इसमें ये जो बी सी है बी सी बराबर होगा, बी सी बराबर क्योंकि बी से डी तक है वो एच मीटर है, तो एच माइनस ये यहाँ 25 है तो इधर भी इसके सामने की कितनी हो जाएगी सी डी बराबर कितनी होगी, सी डी बराबर है 25 मीटर, तो इसमें बी सी है वो बी सी का मान हो जाएगा एच माइनस 25 मीटर हो गया। अब हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी, ए बी सी में इसके सामने की भुजा ये बी सी है हमारे पास एच माइनस 25, तो इसका ये हो गया लंब और इसका ये आधार, इसका मान लेते हैं आधार ए सी बराबर ई डी, ये दोनों इसमें बराबर होगा तो ए सी और ई डी को यहाँ हम लिख दिया ए सी बराबर ई डी और ये बराबर मान लिया हमने एक्स मीटर, तो ये भी एक्स हो गया और यहाँ भी ये एक्स हो गया। इस तरह से त्रिभुज ए बी सी में इसका आधार हो गया एक्स और लंब हो गया ये आधार बटावा लंब बटावा लंब बटा
आधार, तो इसमें देखिए लंब है इसके अंदर ही बी सी, तो बी सी का मान हमारे पास है एच माइनस 25, ये हो गया एच माइनस 25 और बट्टा वा इसका आधार हो गया ए सी, वो हो गया एक्स, और थीटा का मान इसमें है ए, तो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर एच माइनस 25 बटा वा एक्स, एच माइनस 25 बटा वा एक्स, ये समीकरण बन गया हमारे एक। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज ये ले लिया ए सी डी ले लें या हम ले लें ए ई डी, दोनों में से कोई सा त्रिभुज लिया जा सकता है, तो हम त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज ए ई डी, इसमें यहाँ समकोण है ए ई डी, इसमें ये जो कोण यहाँ थीटा है तो वो कोण यहाँ थीटा हो जाएगा, चाहे तो हम ये ले सकते हैं ए सी डी, तो ये एकांतर कोण होते हैं, ये कोण भी क्या हो जाएगा यहाँ थीटा हो जाएगा, दोनों में से कोई सा त्रिभुज लिया जा सकता है, तो ए ई डी में हम देखें तो इसमें हो गया लंब बटा हुआ कर्ण, लंब बटा हुआ आधार, तो इसमें लंब है, लंब हो गया इसका थीटा के सामने हो गया ये 25 हो गया और इसका आधार हो गया एक्स, तो इस तरह से हम देखें तो यह हो जाएगा टेन थीटा, लंब बटा आधार हो गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा ये 25 बटे हुए एक्स, और इससे हम मान निकालें तो इसका मान हो जाएगा टेन थीटा बराबर 25 बटा एक्स, और उधर हो गया समीकरण एक में एच माइनस 25 बटा हुआ एक्स, तो यहाँ हम इसका तिरछा गुणा करें तो तिरछा गुणा करने पर ये हो जाएगा, तिरछा गुणा करें तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा बराबर 25, इसमें एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स का मान हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 25 बटा हुआ टेन थीटा, ये समीकरण नंबर दो, दो से मान एक में रखें अपन एक्स का, दो से एक में मान रखने पर ये हो गया, यहाँ है टेन थीटा दो में, टेन थीटा बराबर एच माइनस 25 बटा एक्स का मान आ गया हमारे 25 बटा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 25 और बटा वा बटा टेन थीटा, 25 बटा टेन थीटा, ये टेन इसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू ये हो जाएगा 25 बटा टेन थीटा और बराबर हो गया एच माइनस 25, तो यहाँ 10 से 10 कट हो जाएगा और ये हो गया 25 बराबर एच माइनस 25, इसको पक्षांतरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एच बराबर ये 25 इधर रही है 25 और प्लस 25 यानी 50, तो ये हो गया एच बराबर 50 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई हो गई, मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नतास कोण ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर छड़, ये ए बी ऊर्ध्वाधर छड़ है और ये इसकी छाया हो गई, यहाँ बी सी छाया हो गई, तो इसमें हमें उसकी छाया और छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 दे रखा है, तो माना छड़ की लंबाई हमने मान ली, जैसे 1:1 लिख रखा है तो उसको मान लेते हैं, एक को अक्स से गुणा करने पर एक्स से मीटर हो गया, और इसकी छाया की लंबाई हो गई, छाया की लंबाई बराबर हो गई √3x, तो यहाँ छड़ की लंबाई x और छाया की हो गई √3x,
समकोण त्रिभुज को पूरा कर दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी में इसमें हमें ज्ञात करना उन्यन कोण, तो ये हो गया उन्यन कोण थीटा मान लिया यहाँ। तो हमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी के अंदर कोण निकालना है थीटा, तो ये हो गया इसका थीटा के सामने ऊर्जा लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटा हुआ आधार, इसमें हमें लंब का मान दे रखा है x और आधार देगा अंडर रूट 3x, और लंब बटा आधार हम जानते हैं कि होता है टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा बराबर x x कट जाएगा एक बटा हुआ अंडर रूट 3 x का पड़ा x एकम x अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 x को कट करेंगे तो x x कट हो जाएगा एक बटा अंडर रूट 3 आ गया। और अब देखिए हम सारणी में टेन थीटा के अंदर एक बटा अंडर रूट 3 इन कितने डिग्री का मान होता है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर ये हो गया टेन 30 डिग्री का मान, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों के कोणों की तुलना करने पर कोणों की तुलना करने पर यहाँ थीटा है इधर कोण है 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, तो सूर्य का उन्तास उन्यन कोण, सूर्य का उन्यन कोण कोण बराबर 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया है एक पहाड़ी का ढलान क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है, शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई याद कीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, ये पहाड़ी है और पहाड़ी का ढलान, ये पहाड़ी का जो ढलान है वो क्षेत्र के साथ में यहाँ कोण बनाता है 60 डिग्री का, हमें निकालनी है पहाड़ी की ऊंचाई, ये पहाड़ी की ऊंचाई h निकालनी है, तो यहाँ से शिखर तक पहुँचने में हमें 500 मीटर चलना पड़ता है, तो ये इसका हो गया 500 मीटर ए बी सी। तो माना पहाड़ी की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h मीटर है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने भुजा हुई एच, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है लंब बटा कर्ण, इसमें लंब है एच और कर्ण है इसमें 500, और लंब बटा कर्ण होता है साइन, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन, और यहाँ थीटा का मान दे रखा हमें 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो गया एच बटा हुआ 500, और साइन 60 डिग्री का मान रखें तो मान रखने पर ये इसका मान प्राप्त होगा अंडर रूट 3 बटा हुआ 2 बराबर एच बटा 500, तिरछा गुणा करें तिरछा गुणा, तो ये जगह 2r एच बराबर हो गया 500 अंडर रूट 3, और h बराबर इसमें हो जाएगा h बराबर 500 अंडर रूट 3 बटा हुआ 2, 2 से 500 को कट करेंगे तो h बराबर प्राप्त होगा 2 दूनी 4 2 पंजे 10 250 अंडर रूट 3 मीटर। पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 250 अंडर रूट 3 मीटर आंसर।